अनुज और बापूजी ने एक साथ मिलकर किया वनराज पे हमला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह जिसको सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही टारगेट दिखती है, वनराज शाह जिसको ये भी नहीं जानना है कि केंजल ठीक है केंजल ठीक नहीं है, उसको बस यही पे जोर देना है कि सारी गलती अनुपमा की है, अनुपमा ने मेरी बेटी को बुलाया वगैरह वगैरह। अनुज के सामने वो यही बातें बोलता जा रहा है और अनुज कैसे सुने, अनुज ने नहीं सुना और बापूजी ने भी इसमें साथ दिया। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज सिर्फ ये देखने के लिए शाह हाउस में आया कि कहीं अनुपमा यहां तो नहीं है, क्योंकि मालती देवी ने कहा था कि सीधी शाह हाउस भी जा सकती है। जब अनुपमा ने कोई फोन नहीं उठाया या फोन नहीं लगा तो चिंता तो बन गई। अब चिंतित अनुज यहां पे आता है, यहां पे वनराज जो है किसी और ही मोशन में रहता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ जैसे अनुज अनुपमा को देख के आग सी लग जाती है, ये आग अब कब से लगनी शुरू हुई है ये हमारी समझ से बाहर है कि जो भी रिहैब से ट्रेनिंग लेके आया है जो भी ठीक हो के आया है उसमें सिर्फ यही आग बढ़ती हुई दिखाई दी है कि जो अनुज और अनुपमा के खिलाफ है। सब एहसान सब कुछ भूल गया, सामने अनुज खड़ा है उससे भी लड़ता ही जा रहा है लड़ता ही जा रहा है। ठीक ठाक अनुज ने जवाब भी दिए और सही कहा कि तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चलता है, अब तुम ये कह रहे हो कल तुम वो कहोगे, तुम तो सेंसलेस बातें करते हो। एक्चुअली बिल्कुल सही था। और यहां पे जब बापूजी अनुज के साथ आते हैं, क्योंकि जब अनुज ये कहता है कि वो उसकी भी बहू है अनुपमा की, उसकी भी वो पोती है परी, तो बापूजी कहते हैं कि इतनी सी बात तो इसको समझ में आ ही नहीं रही, तो इसी से शर्म से डूब के मर जाए वनराज कि मेरा पिता मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहा है कि तू बेवकूफ है, वो भी अनुज के सामने कि अनुज समझदार है तू बेवकूफ है। मगर यहां पे वनराज का टारगेट सीधा अनुपमा ही है, पता नहीं क्यों हो गया इतना सब ऐसे, कौन मिल गया वनराज शाह को रिहैब सेंटर में जिसने अनुपमा के खिलाफ इतना वनराज शाह को कर दिया कि आके उसने सिर्फ तानाशाही शुरू की और सबसे बड़े शाह परिवार के हित चिंतक को शाह परिवार से दूर कर दिया। आज अनुज ने जिस तरह से जवाब दिया और बापूजी ने साथ दिया अनुज का, एक डायलॉग भी बहुत होता है और यह भी बहुत था कि तुम्हारी जिद बहुत चल गई अब मेरी बात सुनो, वो भी बापूजी का सही था कि तुम वहां पे नहीं जाओगे। तो ये वाला टोन अगर बापूजी पकड़ के चले तो वनराज को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा क्या है वनराज में जो बापूजी उसे डरते हैं। मुझे आज ये अच्छा लगा कि अनुज का साथ दिया बापूजी ने, वो भी वनराज के सामने। तो आपको कैसा लगा ये देख के, क्योंकि बापूजी बहुत कुछ गलत भी करते हैं मगर बीच बीच में सही भी करते हैं, तो ये सही वाला एंगल भी उनका हमें देखना चाहिए। बताइएगा कमेंट करके। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.